डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो व्हाई डू वी फॉल इन कंप्लीट करने के बाद हमने एक एक्सरसाइज आपको करवा दी है। आज हम दूसरी एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज जो है उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कैरियर इज अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो कैरियर होगा, कब होगा? फंक्शंस एज अ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, अगर वो कोई भी इन्फेक्शन का रिजर्वायर हो। दूसरा समझो, पजेसेस पैथोजन बट इट डोंट हार्म, उसके अंदर पैथोजन होंगे बट वो पैथोजन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सी है, कंटेन्स एंटीबॉडीज सफिशियंट इनफ टू बैलेंस द एंटीजन। जो एंटीजन कोई माइक्रोब्स के थ्रू अंदर बॉडी में जो प्रोड्यूस हुए होंगे उनके लिए बॉडी क्या बनाएगी, सफिशियंट अमाउंट में एंटीबॉडीज वो बैलेंस कर लेगी। तीन ऑप्शन, थर्ड जो ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव इसलिए है कि कोई भी पर्सन कैरियर तब है जब उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो रिजर्वायर के फॉर्म में हो, उसके अंदर पैथोजन तो हो बट ये पैथोजन उसको हार्म ना पहुंचाए, और लास्ट सी जो है वो कंटेन्स एंटीबॉडीज विच आर सफिशियंट इनफ टू डिफेंस द एंटीजन, मीन्स फोर्थ जो है डी आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट देखो, मलेरिया इज अ, मलेरिया जो है ऑप्शन सुनो कौन कौन से हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, बोथ बी एंड सी। तो आप जानते हैं कि मलेरिया जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, व्हाट इट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, मींस बोथ बी एंड सी। मलेरिया के बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म एसेंस डिजीज अगेंस्ट डिजीज। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज कंप्राइजेस, जो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट डिजीज उसमें क्या क्या कंप्राइज होगा। पहला ऑप्शन समझो, फिजिकल बैरियर, दूसरा लाइसोजाइम, तीसरा फैगोसाइट्स, लास्ट है इम्यून सिस्टम। तो आप जानते हैं कि डिजीज के अगेंस्ट जो फंक्शन करता है कौन करता, इम्यून सिस्टम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी विच इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ देखो, द एंटीजन प्रेजेंट इन पैथोजन इज, द एंटीजन प्रेजेंट इन पैथोजन, इन एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं पैथोजन के अंदर, ऑप्शन सुनो कौन कौन से हैं, अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है। दूसरा है बी जो है समझो, पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज बाई इट इन द होस्ट, होस्ट के अंदर जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनका वो सिंथेसाइज होंगे। सी है स्पेसिफिक प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट ऑन इट्स कोट। तो आंसर इसका जो है वो डी इसलिए सही है क्योंकि डी जो है बोथ ए एंड बी, कि जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं पैथोजन में वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि इन्वॉल्व होती है मेटाबॉलिज्म में, साथ ही साथ बी भी इसका जो ऑप्शन है सही है, पॉलीसेक्राइड जो होते हैं सिंथेसाइज बाय इट इन द होस्ट। अगला फिफ्थ देखो, पैथोजन आर डिस्ट्रॉयड बाय, पैथोजन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड होते हैं, किसके द्वारा डिस्ट्रॉयड होते हैं। पहला ऑप्शन किडनी है, वो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लीवर है, वो भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन एडिपोज टिश्यू है, और चौथा ऑप्शन लिम्फैटिक टिश्यू है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लिम्फैटिक टिश्यू, जिनसे लिम्फोसाइट्स बनेगी जो कि एंटीबॉडीज बनाएंगी और वो पैथोजन को डिस्ट्रॉयड करेंगी। अगला देखो, अ नॉन इन्फेक्शियस अननेचुरल एंड अनयूजुअल रिएक्शन टू अ सब्सटेंस और कंडीशन इज नोन एज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक नॉन इन्फेक्शियस अननेचुरल अनयूजुअल जो रिएक्शन है किसी एक सब्सटेंस के लिए या एक कंडीशन के लिए उसको हम क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन इम्यूनिटी,
दूसरा एलर्जी, तीसरा इन्फेक्शन, चौथा होगा टॉक्सिन। तो आप जानते हैं कि अननेचुरल, नॉन इन्फेक्शियस, अनयूजुअल जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं एलर्जी। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, एलर्जी। आगे देखो, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स इज कॉज्ड बाय, यू नो दैट कि एड्स इज एन वायरल डिजीज। ऑप्शन सुनो, पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा HIV और चौथा जो है वो एलर्जी है। आपको जैसा कि हम बता चुके हैं कि एड्स कैसी है, एड्स इज एन वायरल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय HIV। HIV का मतलब आप जानते होंगे, एच फॉर ह्यूमन, एच का मतलब क्या है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इज द फुल नेम ऑफ HIV। तो HIV कारण किसका है, एड्स का, विच इज एन वायरस। अगला देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ क्रॉनिक डिजीज। हम चार डिजीज बोल रहे हैं, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है कि क्रॉनिक डिजीज नहीं है। पहला ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा अस्थमा, तीसरा कॉमन कोल्ड और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि कॉमन कोल्ड जो है वो क्रॉनिक डिजीज नहीं है। कॉमन कोल्ड क्या है, एक एक्यूट डिजीज है। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका 1 दिसंबर है, और जो कि आपके एक्सरसाइज में डी ऑप्शन है वो सही है। अगला देखो, एंटीबॉडीज आर लिपिड्स, जीन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। एंटीबॉडीज के बारे में पूछा गया है, एंटीबॉडीज क्या है, लिपिड्स नहीं हो सकती हैं, इसके अलावा जीन्स भी नहीं है, ये प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हम चार स्टेटमेंट आपको बोल रहे हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो, डिजेनरेटिव डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल, दूसरा है एलर्जी इज कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तीसरा है कॉलरा इज अ वायरल डिजीज, और लास्ट है डी, एड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। आप जानते हैं एड्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, क्योंकि एड्स का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। दूसरा देखो, आप जानते हैं एलर्जी इज कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अगला देखो, कॉलरा इज अ वायरल डिजीज, आप जानते हैं कि कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कॉलरी होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है ना कि वायरस। तो सही स्टेटमेंट क्या है, डिजेनरेटिव डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल, दैट इज ए आंसर इज राइट। अगला देखो, रिमेन हेल्दी मींस फ्री ऑफ इन्फेक्शन बाय पैथोजन, टेंशन फ्री मेंटल स्टेटस, लिविंग इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि रिमेन हेल्दी का मतलब है कि वो एक तो इन्फेक्शन या पैथोजन से फ्री होगा, साथ ही साथ टेंशन फ्री मेंटल स्टेटस होगा, साथ ही साथ वो एक ऐसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, व्हिच इज द डी आंसर। 13 देखो, डिजीजेस अकरिंग ड्यू टू इन्फेक्टेड आर्टिकल्स ऑफ अ पेशेंट आर कॉल्ड एयरबॉर्न कहेंगे कि वाटरबॉर्न कहेंगे कि फॉमाइटबॉर्न कहेंगे कि फूडबॉर्न कहेंगे, तो उसको कहेंगे फॉमाइटबॉर्न डिजीज होती है, सी सही होगा। अगला देखो, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st May, 7th अप्रैल, 13th जून, 5th दिसंबर। आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल, 7th अप्रैल यानी कि बी सही है। टाइफाइड इज कॉज्ड, अगला देखो 15 देखो, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सिजेला, जियार्डिया, इसरेकिया, साल्मोनेला। आप जानते हैं कि टाइफाइड इज एन बैक्टीरियल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी।
तो आंसर क्या हो जाएगा, डी साल्मोनेला इज द राइट आंसर। 16 देखो, पल्स पोलियो प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन अवर कंट्री फॉर, हमारे देश में जो पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है वो किस लिए मनाया जाता है या उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो है क्यूरिंग पोलियो, पहला ऑप्शन है। दूसरा है इरेडिकेटिंग पोलियो, सी है स्प्रेडिंग पोलियो, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। आप जानते हैं कि पल्स पोलियो कैंपेन का जो मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, एम है, वो है टू इरेडिकेटिंग पोलियो, पोलियो को हटाना, उसको पूरा समाप्त करवाना। अगला देखो, कम्युनिटी हेल्थ एम्स एक्ट, कम्युनिटी हेल्थ एम्स एक्ट में पहला है बेटर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, बेटर हाइजीन एंड क्लीन एनवायरमेंट, सी है रिमूविंग कम्युनिकेबल डिजीज, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि जो कम्युनिटी हेल्थ एम है वो तीनों हैं, तो क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला देखो, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेट इज WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑप्शन देखो न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, पेरिस। आप जानते हैं कि WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगला देखो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज अ मोड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, पैथोजन स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज, और लास्ट है डी फॉमाइट इन्फेक्शन। तो आप सही आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज अ मोड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। लास्ट देखो, अ पर्सन हैज डेस्ट्रॉयड इन्फेक्शन इन हिज बॉडी, ही सीम्स टू कैरी इन्फेक्शन ऑफ, एक पर्सन है जिसके अंदर इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, अब ऐसे व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है या है, आंसर समझो, टिटनस एक ऑप्शन है, मलेरिया एक ऑप्शन है, मीजल्स एक ऑप्शन है, टाइफाइड एक ऑप्शन है। आपको हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कि इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल एजेंट, तो ये कब बनेंगे बॉडी में, जब कोई वायरस अटैक करेगा। आप जानते हैं कि ये जो तीन बीमारी हम बता रहे हैं, टिटनस, मलेरिया एंड टाइफाइड, आर नॉट वायरल डिजीज, इनमें से केवल एक वायरल डिजीज है जिसका नाम है मीजल्स। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मीजल्स। तो आज आपको हमने एक्सरसाइज थर्ड सेकंड करवा दी, कल आपको थर्ड करवा देंगे एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।